कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आप सभी को मेरी तरफ से आज का मंगलमय दिन रहे, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका मन पढ़ाई में ज्यादा लगे, व्हाट्सएप में कम लगे, फालतू फालतू की बातों में कम लगे, मैसेज लेने देने की प्रोसेस में कम लगे, गाने सुनने में कम लगे। आप अगर सुनो अपने मोबाइल फोन से तो अपनी आवाज़ की थ्योरी रिकॉर्ड करके सुनो। मैं भगवान से बस यही चाहूँगा कि आपकी मन को आपके पास कंट्रोल करने की पावर रहे। बेटे जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है लाइफ में, उसको सक्सेस अचीव होती है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, इतिहास भरा पड़ा है नेपोलियन बोनापार्ट से बैरक ओबामा, नरेंद्र मोदी और जितनी भी हस्तियां आपको लगती है कि इस दुनिया में जिन्होंने कुछ नाम कमाया है, कुछ बड़ा काम किया है, और आज आप यहाँ खड़े हम सब, बेटे उन सभी ने मन को कंट्रोल करने की बातें की है। बेटे मन तो एक पंछी है जो हमेशा घूमता रहता है, उड़ता रहता है। आपको समझाना है इस मन को कि आपको इस चीज को पाना है, फिर आपकी वो मन इच्छा पूरी करने में मदद करेगा। तो बेटे आपको अपना लक्ष्य बताना है उसको कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये चीज पानी है, और अगर ये लक्ष्य मिल गया तो मुझे लाइफ में क्या मिलेगा, और नहीं मिला तो क्या मिलेगा। बेटे लालच देना है मन को, लालच देना है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप लालच देंगे तो यकीन मानिए मन आपकी मदद भी करेगा। मन दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन है। बेटे इस बात को समझ लीजिए, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है मन। तो मन तू ज्योति स्वरूप, गाने बने हुए हैं, मन तू ज्योति स्वरूप, मन तू ही तो है सब कुछ। और बेटे जिसने मन को समझा दिया, मन को कंट्रोल कर लिया, बेटे कहते हैं मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आराम से पढ़िए एक बार, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हे प्राणी तू मन से जीत। मैं तो कहता हूं जी, ये दुनिया आपके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, ये सब अलग हो जाए, सब दूर हो जाए, और आप एक तरफ खड़े हो और ये पूरी अर्थ प्लैनेट अलग है। मान लेते हैं मैं आपके सामने ये एक फोटो बनाता हूं, और आप देखिए ये एक आप है, और ये पूरी दुनिया के लोग इतने लाखों बिलियन सब एक हैं, और आप एक हैं। बेटा फिर भी आप जीत सकते हो, क्योंकि आप अगर मन से किसी चीज को कंट्रोल कर लोगे, मन आपके मन में है कि मुझे वो चीज मिल सकती है, दुनिया कहे नहीं मिलेगी, बेटे फिर भी मिलेगी, क्योंकि दुनिया का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना इंपॉर्टेंट रोल आपके मन का दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, डिटर्मिनेशन, पावर कि मुझे ये चाहिए, मैं लेके रहूंगा। तो बेटे आज की क्लास में मैं आपसे यही कहने वाला हूं कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया और मन से उन चीजों को पाने की हिम्मत की कर्म किया। कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब यहां पर इस समय कलयुग में बैठे हैं, कलयुग केवल कर्म प्रधाना कहते हैं जी, कलयुग में कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करते हैं किसी चीज को पाने के लिए तो फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि एक मिनट के लिए आप कुछ सुने।
आइए बेटे, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ। और मैंने ये बोला आपको सभी को कि बेटे लाइफ में मन से जीतना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे एक कहावत थोड़ी सी याद आ रही है, ना पूछना ना पूछना ना पूछना कि मेरी मेरी मंजिल क्या है। दोस्तों मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर शुरू करने का इरादा किया है, शुरू करने का इरादा किया है, इरादा किया है। मैं रिपीट करता हूं, इरशाद फरमाइए। ना पूछना कि मेरी मंजिल क्या है, मुझसे ना पूछना मेरी मंजिल क्या है, मुझसे ना पूछना अभी तो सफर शुरू करने का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर। आहा क्या कहा है, उम्र भर ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बेटे लिखूंगा, ये मैंने किसी से नहीं, मन की बातें हो रही हैं, किसी से नहीं अपने मन से अपने आप को वायदा किया है। आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा बेटे, एक चीज बताओ, अगर हम ऐसे मुंह छोटा छोटा करके बैठेंगे, भविष्य की चिंता करते रहेंगे, माना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं, माना कि वर्तमान और भविष्य की बातें होती हैं, लेकिन बेटे क्या छोटी छोटी बातों से हम घबरा जाएंगे, क्या छोटे छोटे फेलियर से हम डर जाएंगे, क्या हम हौसला अपना डाउन कर लेंगे? बेटे क्या एक आधा टाइम आगे पीछे होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? सब बकवास है बेटे। मैं तो कहता हूँ आप एक आध अटेम्प्ट लेट भी हो गए अपने दोस्तों से, कोई बात नहीं बेटे, ट्रेनिंग ईमानदारी से सारा कुछ सीखने का कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, नॉलेज को ग्रैप कीजिए बेटे, हौसला डाउन मत होने दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है, ना पूछना कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ शुरू करने का इरादा किया है। अभी तो बेटे आपकी सीएस प्रोफेशनल खत्म होगी, असली में तो आपका सफर अब शुरू होगा जैसे आप लाइफ में बाहर आएंगे। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, कभी नहीं हारूंगा। ये मैंने किसी से नहीं अपने मन से अपने आप को किया है। बेटे बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास शुरू करूंगा। बेटे बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप ईमानदारी से बैठे हैं, बिल्कुल कमर आपकी सीधी है, मुझे दिख रहा है यहां से, मेरी आत्मा देख रही है बेटे आपकी आत्मा को। हम फिजिकली एक दूसरे को नहीं देख पाए, कोई बात नहीं बेटे, प्यार है ना, प्यार की कोई बाधाएं नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती बेटे। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लेक्चर नंबर 2 में इन्वाइट कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 2 बेटे आज हम करेंगे, और लेक्चर 2 में आज हम 4-5 कंसेप्ट करेंगे, और आराम से ये लेक्चर आज हमारे को इस चैप्टर के अंतिम छोर तक पहुंचा देगा, अंतिम छोर तक, लास्ट पॉइंट तक पहुंचा देगा मेरे बेटे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आज आपका मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। मैं आज की क्लास में क्या करूंगा, मैं पहले तो रिवाइज करूंगा जो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और फिर कुछ नए कंसेप्ट रह गए छोटे मोटे, उनको डिस्कस कर लेंगे बेटे, रिवीजन करेंगे, न्यू कंसेप्ट करेंगे, और फिर उनकी चर्चा करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर टाटा बाय बाय करेंगे मेरे बच्चे, बाय बाय करेंगे, बाय 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 बाय, बल्ले बल्ले बधाइयां देंगे एक दूसरे को, लख लख बधाइयां कि एक चैप्टर और खत्म हुआ, लख लख बधाइयां बेटे, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक चैप्टर से पूरा FM कंप्लीट हो गया बेटे। 100 आवर्स की मैंने आपको टीचिंग दी है, एटलीस्ट 125 घंटे की टोटल क्लास है बेटे, फेस टू फेस में 40-50 घंटे से ज्यादा कोई बोल नहीं पाता, किसी को आता ही नहीं है, क्वेश्चन से कम देते हैं बेटे स्टडी मटेरियल में,
चलिए, मैंने आपको बेटे एक तो ये बताना था कि आपको मैंने अभी तक कौन से कंसेप्ट करा दिए हैं। एक मिनट के लिए मैं खोलूंगा उसको, तो आप देखिएगा। ये देखिए मैंने बेटे एक तो ये 12-14 कंसेप्ट कराने हैं टोटल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में। जैसे मैंने बताया था कि आप इस दुनिया का कोई भी कोर्स कर लें, फाइनेंस कर लें, फाइनेंस का कोई भी कोर्स करें, वैल्यूएशन करें, IFRS करें, कैपिटल बाइटिंग करें, डिविडेंड करें, बॉन्ड वैल्यूएशन करें, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करें, मैं तो कहता हूँ कोई चैप्टर करें तो सही, 90% चैप्टर्स इसी कंसेप्ट पर रिलेटेड है। तो पहले तो कंसेप्ट नंबर 1 पर टिक लगाइए। आपकी बुक में से पेज खोला मैंने, कंसेप्ट नंबर ये देखिए, पेज नंबर A है, खोलिए 20 बुक ये वाली है मेरे बेटे, ये देखो ये बुक है, ये देखो बेटे ये मैंने खोल दिया, ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टिक लगाइए। मैंने आपको बताया था कि आज 100 रुपये दें या 1 साल के बाद 100 रुपये दें, क्या दोनों ठीक है? फिर आपने कहा था नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर मैंने इंटरेस्ट की बातें की थी। इंटरेस्ट का मतलब होता है आप जो चीज़ आज खा सकते थे आपने कहा नहीं, मैंने उसको डेफर कर दिया अपनी मजा। भाई मेरे पास 100 रुपये, मैं आज गुलाब जामुन खा सकता हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं आज गुलाब जामुन नहीं खाता, मैं अपने मजे को डेफर करता हूँ, क्योंकि गुलाब जामुन खाने के बाद मजा कम होगा, मजा आएगा अगर मैं खाता, आज नहीं खा रहा। तो एक तो मैंने अपना मजा डेफर किया और मैंने अपने पैसे बैंक में दे दिए, दूसरा मैंने रिस्क भी लिया, तो इन दोनों वजह से बैंक मुझको कुछ कंपनसेशन देगा। रिस्क किस बात का? रियल वर्थ की डिक्रीज का, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो रियल वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेटे दो रीजंस हैं जिस वजह से मुझे बैंक जो है मेरे को बदले में कंपनसेशन में इंटरेस्ट देता है। एक, मैंने अपना मजा डेफर किया, जो मेरे पास पैसे थे मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिए बैंक में, और मैंने वो मजा ले सकता था होम थिएटर खरीदने का, मैं मजा ले सकता था गुलाब जामुन खाने का, मैंने नहीं खाया, डेफर कर दिया। और दूसरा मैंने रिस्क लिया क्योंकि रियल वर्थ मेरी कम हो जाएगी। तो उन दोनों की वजह से जो भी कुछ पैसे मिलते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में डिस्काउंटिंग रेट कहा गया है, कुछ जगह प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोला गया है, कुछ जगह टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहा गया है, कई जगह इन्फ्लेशन रेट बोल देते हैं, कई जगह इंटरेस्ट रेट बोल देते हैं। तो बेटे पहले टिक में टिक लगाएं, फिर दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था फेयर फ्यूचर वैल्यू, टिक लगाएं। थर्ड कंसेप्ट प्रेजेंट वैल्यू बता चुका हूं, फोर्थ कंसेप्ट प्रेजेंट वैल्यू / फ्यूचर वैल्यू बता चुका हूं। फिर बेटे मैंने कहा था 99.99% केसेस में प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाएगा। तो कंसेप्ट नंबर 5 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल अनइक्वल कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल इक्वल कैश फ्लोस, जहां पर हमने एनुटी यूज किया था, मैंने दो मेथड्स बताए थे, मेथड 1 मेथड 2। कंसेप्ट नंबर 7 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोस अप टू परपेचुअल। बेटे मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि अगर आप बिल्डिंग खरीद लें और बिल्डिंग को रेंट पे देते रहें और आप ये कसम खा लें कि इस बिल्डिंग को नहीं बेचेंगे और इसका रेंट खाएंगे, आपके मरने के बाद आपका बेटा, उसके मरने के बाद उसका बेटा, लाइफ लॉन्ग ये काम चलता रहेगा, तो बेटे इसको बोलते हैं परपेचुटी तक इनकम आ रही है, इनफाइनेट। तो बेटे इसको कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने कुछ लॉजिक बताया था, मैं अभी और बताऊंगा। फिर कंसेप्ट नंबर 8 कर रहे हैं आज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग कैश फ्लोस। फिर कंसेप्ट नंबर 9 एन्यूटी, 10th भी कर रहे हैं अभी, 11, 12, 13, 14 अभी कर रहे हैं बेटे, अभी करने वाले हैं, बिल्कुल सारे ही करेंगे मेरे बच्चे, सारे ही करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। तो बेटे मैंने ये बताने की कोशिश की थी आप सभी को कि अगर आपको कुछ नंबर ऑफ नंबर्स गिवन है, आपको कुछ डेसिमल्स नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिए हैं, 2, 5, 8, 9, 11 या 4, 6, 8, 10 या आराम से देखिए बेटे, ये जो सीरीज है इसको बोलते हैं एपी सीरीज, इसको बोलते हैं जीपी सीरीज, ये ना तो एपी है ना जीपी है, मिक्सचर सीरीज। बेटे मैं अगर यहाँ तक इन्फिनिटी तक लेके जाऊँ तो मैं इन सभी का जोड़ कर सकता हूँ, मैं मतलब सम निकाल सकता हूँ, सम ऑफ जीपी सीरीज निकाल सकता हूँ। हम इसको यूज़ करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल
मल्टीपल कैश फ्लोस अप टू इन्फिनिटी। तो बेटे आराम से देख लीजिए, मैं इस कंसेप्ट को यूज कर सकता हूं, सम ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला यूज करूंगा किसमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोस अप टू इन्फिनिटी तक अगर मिलेगी तो मैं उसका सम निकाल सकता हूं। तो बेटे मैंने कहा था सबसे पहले आप चेक करिए कि समेशन ऑफ ऑल फ्यूचर मल्टीपल कैश इनफ्लोस, समेशन ऑफ ऑल फ्यूचर मल्टीपल कैश इनफ्लोस अप टू परपीचुटी, या तो परपीचुटी लिख लें या अप टू इन्फिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। आराम से बेटे, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो बेटे मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था बेटे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लो अपॉन आर। अब ये बना कैसे है, वैसे आपको बताऊं ये बना है इससे, ए अपॉन वन माइनस आर से। अभी मैं सॉल्व कर देता हूं कि इससे ये कैसे आ गया, पेपर में नहीं आएगा लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि ये जो ए अपॉन वन माइनस आर का फॉर्मूला आपने सिक्स क्लास में किया था, ए अपॉन वन माइनस आर का फॉर्मूला जो सिक्स क्लास में किया था, क्या था, समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज अप टू इन्फिनिटी। ये ए क्या होती है बेटे, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, जो भी सीरीज है उसका पहला अक्षर, पहली टर्म। आर क्या है, कॉमन रेशो। अगर किसी सीरीज में कॉमन रेशो है और फर्स्ट टर्म भी है तो बेटे कॉमन रेशो को कैसे निकालते हैं, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। अगर मैं एनी टर्म को डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म से भाग कर दूं तो मेरे पास कॉमन रेशो आ जाएगी। तो अगर किसी भी सीरीज में कॉमन रेशो हो तो मैं उसको कह सकता हूं कि क्या है, वो जीपी सीरीज है। ठीक है जी, तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, जैसे आपको इनफाइनाइट तक 1000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है जी, तो 10% का फैक्टर है, तो इस टू रेस्ट पावर 1, इस टू रेस्ट पावर 2, इस टू रेस्ट पावर 3, ठीक है, आप यहाँ खड़े, ठीक है जी, आप इन सभी का सम निकालना चाहते हैं, टोटल क्या आएगा, टोटल ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोस अप टू इन्फिनिटी। तो बेटे इसको निकालने के लिए मैंने देखना है, मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगा ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या है यहाँ पर बेटे, ए क्या है ये बेटे 1000, तो मैं लिख रहा हूँ ए इज 1000। अब मैं बेटा आर देखूंगा, आर कैसे निकालूंगा, मैं कह रहा हूँ जी एनी टर्म ऑफ सीरीज, जो भी सीरीज में टर्म है, अपॉन प्रीसीडिंग टर्म ऑफ दैट सीरीज, उसी सीरीज की प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म ऑफ द सीरीज अपॉन प्रीसीडिंग टर्म ऑफ दैट सीरीज। तो एनी टर्म ऑफ द सीरीज जैसे ये है वह 100, ये 1 अपॉन या 1000 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2 भाग में 1000 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1। ये चेक करते हैं, इसको करके देखते हैं, यार जी 1000 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1।
ये तो कट गया बेटे, ये बच गया बेटे। वन अपॉन वन प्लस पॉइंट वन जीरो, ये भी कट गया एक बार, ये बच गया बेटे कॉमन रेशो। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये कॉमन रेशो नेक्स्ट थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में भी है, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ बेटे। वन अपॉन वन थाउजेंड अपॉन वन प्लस पॉइंट वन जीरो रेज टू पावर थ्री, वन थाउजेंड अपॉन वन प्लस पॉइंट वन जीरो रेज टू पावर टू। हाँ बेटे यही है, वन अपॉन ये देख लीजिए वन प्लस पॉइंट वन जीरो। तो बेटे मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ जी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वन थाउजेंड अपॉन वन माइनस कॉमन रेशो वन अपॉन वन प्लस पॉइंट वन जीरो। ये कॉमन रेशो है आर है, ये वन है, और ये इक्वल अमाउंट है टू बी रिसीव। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं, वन थाउजेंड अपॉन वन प्लस पॉइंट वन जीरो माइनस वन अपॉन वन प्लस पॉइंट वन जीरो, चेक करिए ये आ गया जी वन थाउजेंड अपॉन वन अपॉन अपॉन पॉइंट वन जीरो होल डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो। देखिए जी सॉल्व किया या नहीं ढंग से मैंने, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो बेटे लास्ट में आंसर यही आ रहा है फ्यूचर वैल्यू अपॉन वन प्लस पॉइंट वन जीरो, या ये समझ लीजिए ये आ रहा है जी, ये आ रहा है, इसको ऐसे कर लूं पॉइंट वन जीरो अपॉन वन प्लस पॉइंट वन जीरो, ऐसे भी कर सकता हूं पॉइंट जीरो कट गया। तो ये लास्ट में जो फॉर्मूला बना वो कह रहा है जी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन अपॉन के ई कह लें आर कह लें, ये फॉर्मूले का लॉजिक है बेटे। इस तरह से हमने प्रूफ किया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज के बेसिस पे प्रूफ किया है। एक बच्चा कहता मास्टर हमें इतना लॉजिक समझना ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटे मेरा प्यार है ये प्यार है प्यार बेटे, इसलिए बताया कि मेरे को तो शांति मिलेगी, मैंने तो बता दिया बेटे, वैसे पेपर में प्रूफ नहीं आएगा, मैंने इसलिए बताया कि आपको एक लॉजिक तो बताओ ये चीज़ निकलती कैसे, ठीक है जी। तो आइए दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ चाहता हूँ कि एक आध कंसेप्ट आप पहले लिख लें जिससे कि हम और आगे चल पाए। आइए जी, आप सभी ने कंसेप्ट नंबर सेवन तक लिख लिया था, एट लिख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग कैश फ्लोस, सात तक लिख लिया था, आज आठ से शुरू कर रहे हैं, चार पांच कंसेप्ट हैं, खत्म हो जाएगा आराम से, पहले लिख लें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग कैश फ्लोस, परपेचुअल ग्रोइंग कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोइंग कैश फ्लोस। मतलब अभी तक जो आपने लास्ट कंसेप्ट सेवंथ में किया वो ये था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल कैश फ्लोस, मतलब उतनी मिले अनंत काल तक, हजार मिले तो हजार 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 हजार, यहां पर क्या है इक्वल मिले फिर ग्रोइंग रेट के साथ, हजार मिले पहली बार, मान लेते ग्रोथ रेट 5% है, तो दूसरी बार मिले हजार प्लस 5% ऑफ हजार, थर्ड ईयर में मिले हजार, जो फर्स्ट ईयर में मिला हजार 1050, पहले ईयर में मिला 1000, दूसरे ईयर में मिला 1050, थर्ड ईयर में मिले 1050 का जी का 5%, लिख ले फिर बताऊंगा फॉर्मूला, लिख ले कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट।